ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वजायाणम नमो लो ये सब साउलम पंच परमिष्ठी भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं नीति का आरम्भ सिखाते हैं कि अगर अर्थशास्त्र ना पढ़ा हो तो व्यक्ति को अर्थशास्त्र पढ़ लेना चाहिए और अर्थशास्त्र की दो परिभाषाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ऐसी दो परिभाषाएं अर्थशास्त्र की जो सारे अर्थशास्त्रों का सार है ये अपन सबने सुनी होगी लेकिन ये जीवन में अप्लाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है ये दोनों जो मैं बोलने जा रहा हूँ आपको ये सूत्र ये जीवन में अप्लाई करना बहुत कठिन है होता यह कि हम जब अपने रास्ते पर जाते हैं या हम सोच लेते हैं कि हमको अपने लक्ष्य बनाना और हमको इस लक्ष्य पर चलना है कहीं ना कहीं से बाहरी बाधाएं आपके लक्ष्य से आपको कहीं और छोड़ाती हैं कभी मन कभी दूसरों के शब्द और कभी परिस्थितियाँ अर्थशास्त्र की दो विशेष बातें हैं दो विशेष बातें पहला आय ज्यादा और व्यय कम आय ज्यादा और व्यय कम जितना कमा सकते हो कमाओ लेकिन जो व्यय हो खर्चा हो वो बहुत लिमिटेड हो सौ कमाते हो तो बीस का खर्चा हो अगर तुमने सौ कमा करके नब्बे का खर्चा किया है तुम्हारी गाड़ी डूबेगी आय ज्यादा और व्यय कम अगर तुम्हारी आय व्यय बराबर चल रही है इसका मतलब निश्चित है कि आप फेल हो गए नो बडी कैन हेल्प यू फॉर योर सक्सेस निश्चित बात है आय ज्यादा और व्यय कम अगर आपने सौ रुपये कमाए और आप लगभग लगभग नब्बे अस्सी रुपये खर्च करते हो बीस बचते हैं इसका ये मतलब निश्चित है कि आप एक दिन बहुत लंबे गड्ढे में जाओगे आए ज़्यादा और व्यय कम और दूसरी बात जो चीज़ें उपयोगी हों उन उपयोगी चीज़ों के लिए पाँच रुपये के पाँच सौ रुपये भी देना वो जो चीज़ें उपयोगी हों उन उपयोगी चीज़ों के लिए पाँच रुप पांच रुपए की चीज के लिए पांच सौ भी देना और चीज अनुपयोगी ना हो तो पांच सौ की भी चीज पांच रुपये में मत लेना उपयोगी ना हो तो मत लेना यह अर्थशास्त्र है जो लोग अर्थशास्त्र पर जीवन जीते हैं और जिन्होंने अर्थशास्त्र के अनुसार जीवन जिया है निश्चित मानना वो कभी गड्ढे में नहीं जाते जो लोग या चीजें आपके लिए उपयोगी ना हो उनकी अपेक्षा ना करें जो लोग या चीजें आपके लिए उपयोगी ना हो उनकी अपेक्षा ना करें और जो लोग या चीजें आपके लिए उपयोगी हो उनकी उपेक्षा ना करें निगलेक्शन एंड अट्रैक्शन दो चीजें कह रहा हूं मैं आपसे एक निगलेक्शन और एक अट्रैक्शन अक्सर ये देखा जाता है दुनिया में जब कोई बाहर घूमने जाता है तो जो बच्चों की हरकतें होती हैं वो बड़े भी करने लगते हैं चलो ये भी खरीद लो चलो वो भी ख़रीद लो अब यहाँ तक आए हैं तो ये भी ले लो अगर घर से आप सब्ज़ी लेने निकले हो और आपको पता है कि अभी सब्जी की इतनी आवश्यकता नहीं है कितने सस्ते टमाटर मिले दस किलो लेके मत आ जाना वो गाय के ही काम आएंगे अथवा तुमको ही टमाटर टमाटर खा के निकालना पड़ेगा ये मैं एक बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ इसी को विस्तार करके आप समझना जो आवश्यक चीज़ें हैं बस वही लेना जो अनावश्यक हो उसको अपने जीवन में मत जोड़ना ये इकोनॉमिक्स है अब वो लोग हो चाहे चीज़ें हो चाहे वक्त हो कुछ भी मिले आपको आप अनावश्यक चीज़ों को जोड़ना नहीं जो आपके काम का हो उसे कभी छोड़ना नहीं भले उसके लिए लड़ना पड़े झगड़ना पड़े रोना पड़े हाथ पैर जोड़ना पड़े क्षमा मांगना पड़े कुछ भी करना पड़े अच्छा करना कुछ भी करना पड़े करना क्यों करना क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ आवश्यक है अगर माँ रूट जाए गुरु रूट जाए तुमको जो प्रयास करना पड़े सब करना क्योंकि वो आवश्यक है आपके जीवन के अनिवार्य आवश्यक अंग है क्योंकि कोई रूट जाए फर्क नहीं पड़ता अगर गुरु रूट गए बहुत फर्क पड़ता है उन्नति से अवन्नति होने में देर नहीं लगेगी तो आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आपसे इंटरेक्ट होते होंगे मिलते होंगे बातें होती होंगी जिनसे आप मिलते हो वो कभी आपसे मिल जाते हैं जो उपयोगी हैं उनसे ही आप अट्रैक्ट होना जो उपयोगी ना हो उनसे अट्रैक्ट मत होना अट्रैक्शन का डायरेक्शन किसका अट्रैक्शन का डायरेक्शन सही रखना इकोनॉमिक्स की बात करो मैं आपसे अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूं कोई नया मॉडल आया फोन का तुरंत चेंज करो कोई नई डिजाइन आई ज्वेलरी की तुरंत चेंज करो कोई अगर नई गाड़ी आई है बाजार में तुरंत चेंज करो कोई नया इंटीरियर आया है तुरंत चेंज करो क्यों करें अर्थशास्त्र कहता है नहीं करना अर्थशास्त्र कहता है बिल्कुल नहीं करना आवश्यक चीजों को ही जोड़ना अनावश्यक चीज़ों को मत जोड़ना कम लोग हों अच्छे लोग हों चुनिंदा लोगों को जोड़ना अक्सर लोग फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में हर कुछ भर लेते हैं एक अच्छा बिल्डर जो ये कॉलोनीज ऑर्गेनाइज करते हैं या जो अच्छे स्कूल वाले होते हैं ये केवल बच्चों को भरते नहीं है एक अच्छा कॉलेजर होता है जो हर किसी को नहीं भरता कि तुम भी ले लो प्लॉट तुम भी ले लो प्लॉट जिसको प्लॉट सेल्स करना उसकी बात नहीं कर रहा करूँ जिसको घर बना करके बेचना है उसकी बात कर रहा करो वो महाजन लोगों को स्थान देते हैं हर किसी को स्थान नहीं देते जैसे जब कोई टीचर्स या स्कूल में कोई बच्चों को अपॉइंट करते तो हर बच्चे को अपॉइंट नहीं किया जाता किस बच्चे को अपॉइंट करना चाहिए बच्चा तो पढ़ नहीं आया उसके पास बुद्धि तो होगी नहीं बच्चा पढ़ नहीं आया उसके पास बुद्धि नहीं बात मानता हूँ लेकिन बच्चे में एडिकेट्स होना चाहिए कैसे उठना है कैसे बैठना है कैसे वार्तालाप करना है किसको इग्नोर करना है और कैसे इग्नोर करना है ये जो एडिकेट्स होते हैं यही एडिकेट्स आपके काम आएंगे तो अपनी बात पर अपन आते हैं अनावश्यक चीज़ें ना जोड़ें महिलाओं के अंदर ये बहुत अच्छा गुण है अनावश्यक चीज़ों को जोड़ने का कभी आप देखना जब आपका घर बन जाए किसी का घर नया बनाओ एक बार उसकी छत पर होकर के आना आपको मालूम चल जाएगा कि घर में क्या क्या चीज़ें लगी हैं एक कहीं कांच छत पर टिका मिलेगा कुछ आठ दस गुम्मे ईटे के पर रखे मिलेंगे एक बोरी रेत मिलेगी कुछ मार्बल के टाइल्स के टुकड़े मिलेंगे कुछ स्टील की फ्रेमिंग्स मिलेगी सब एक तरफ इकट्ठा रखा मिलेगा इकट्ठा मिलेगा उसमें जीव उत्पन्न हो जाएंगे दो चार बार पानी गिर जाएगा जंग लग जाएगा फिर उसको कबाड़ी को दिया जाएगा एक लेबर बुलवाई जाएगी वो ऊपर से नीचे उतारेगी एक लेबर से नीचे से ऊपर रखवाया था ये गलती किसकी है आपकी और कहीं किसी का छत पर झगड़ा हो गया दोनों बच्चों का आपके तो हो गई गुम्मा गुम्मी उसने एक ईटा दिया उसने और एक ईटा उसने भी एक ईटा दिया बराबर हो गया समझे मेरी इस बात को समझें आज के दौर में लोग चीजें इकट्ठी कर रहे हैं लोग इकट्ठे कर रहे हैं अच्छी चीजें और अच्छे लोगों को इकट्ठा नहीं कर रहे ये फेसबुक आ गया इंस्टाग्राम आ गया और ये जो अपना स्नैपचैट्स और बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग के साधन आ गए हैं इनसे क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा आपकी इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है और आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके पास तक आ रही है कोई कहीं भी कुछ भी कह देता है और सौ लोगों के बीच में कहा जाता है दस उस पर विश्वास कर लेते हैं दस के वो सौ हो जाते हैं पता नहीं चलता है क्यों ना अपन इस चीज़ को समझें ये जो अर्थशास्त्र है वो जो पैसे से जोड़ता है ये जो आपके लिए नीति का अर्थशास्त्र है वो कह रहा है कि आप अपने आप को लोगों से भी जोड़ें तो कैसे लोगों से जोड़ें जो आपकी लाइफ के लिए हेल्पफुल हो आवश्यक हो वैसे ही लोगों को जोड़ें। उम्र का यहाँ तकाजा नहीं है यहाँ बात उसके व्यवहार की उसके एडिकेट्स की उसके जीवन जीने की शैली की है आज कॉलेजेस में जाइए आप स्कूल्स में जाइए क्या हो रहा है क्या हो रहा है सिर्फ कुछ दिन का अट्रैक्शन डायरेक्शन बिगड़ता है और फिर जीवन का डायरेक्शन बिगड़ जाता है मैंने कुछ दिन पहले कहा था आज फिर एक छोटी सी बात आपको हिंट करता हूं गलत व्यक्ति से अगर संबंध बना लिया है जीवन पर नहीं सुधार पाओगे क्योंकि वो जिंदगी भर आपको परेशान करेगा एक दिन नहीं वो आपको जिंदगी भर परेशान करेगा क्यों परेशान करेगा क्यों क्योंकि लोगों के पास साधन बहुत सारे हैं परेशान करने के जिंदगी भर परेशान करेगा इसलिए अट्रैक्शन का डायरेक्शन जो व्यक्ति जो वस्तु आपको ज्यादा दिन तक परेशान करे उसको छोड़ दो जो व्यक्ति और वस्तु आपको परेशान ना करे आपका सहयोग करे उसको जोड़ लो अगर आपने जोड़ा नहीं है तो आप खुद से टूट जाओगे ध्यान रखना इसलिए अपेक्षा सही की हो तो थान होगा अपेक्षा सही की हो तो थान होगा और उपेक्षा सही की हो तो पतन होगा आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए रामायण का महाभारत का राम ने सही की अपेक्षा रखी थी और रावण ने गलत की अपेक्षा रखी थी अगर रावण गलत की अपेक्षा नहीं करता तो आज रावण का नाम भी महापुरुषों में लिखा जाता है रावण इतना अच्छा व्यक्ति था कि आपसे मैं बोल नहीं सकता हूँ वो सीता को उठा के ले गया लेकिन सीता को स्पर्श नहीं किया आज आज के जो रावण है वो उठाते नहीं स्पर्श कर लेते हैं। वो रावण ज्यादा अच्छा था उसकी भाव खराब तो उसकी नज़र खराब नहीं थी आज के लोगों के भाव भी खराब हैं और आज के लोगों की नज़र भी खराब है भाव भी खराब है और नजर भी खराब है क्या कर सकते हैं दौर बदल रहा है आप भी खुद को बदलें जो दौर बदल रहा है आप भी उसमें खुद को बदलें अगर कोई व्यक्ति आपके लिए उपयोगी ना हो तो छोड़ने में देर ना लगाए एक मिनट भी मत लगाना छोड़ने में रावण ने अनुपयोगी को उपयोगी माना एक अन्य भिन्न रामायण में एक बात लिखी मिली कि जब रावण सीता का हरण करके लाया और जब वो हरण करके लाया तो उसके घर में चक्रत्न प्रकट हुआ तो सबसे कहता है विभीषण से कुंभकरण से मंदोदरी से तुम लोग तो कह रहे थे कि सीता मेरे लिए हानिकारक है विष का पिंड है देखो उसकी चरण पढ़ते ही मंदोदरी के चरणों से क्या हुआ सीता के चरण पड़ते ही मुझे चक्रत्न की प्राप्ति हुई मैं त्रिखंडाधिपति हो चुका हूं लेकिन रावण को पता नहीं था कि वो जो सीता के चरण पड़े हैं और चक्र प्रकट हुआ है वो उसकी विनाश का कारण बना था रावण जैसे काम नहीं करना जो सही हो उसकी कभी उपेक्षा मत करना और जो सही ना हो उसकी कभी अपेक्षा मत करना अगर आपने अपेक्षा आप कर ली पुण्य आपकी उपेक्षा कर देगा कितना समझाया रावण को लोगों ने माना क्या दुर्योधन को समझाया कितना समझाया वो माना क्या नहीं माना अब नहीं माना तो भुगत रहे आज भी लोग उसका नाम अच्छे से ही लेते हैं कोई अपने बच्चों का नाम रखते ही नहीं है और राम के लिए तो कितने आतम राम सिया राम उमा राम दुनिया भर के रामों के राम के साथ बहुत सारे लोगों ने राम अपना नाम जोड़ लिया देखो नाम जोड़ लिया लोगों ने क्योंकि वो व्यक्ति जो था उसने अपने जीवन में उपयोगी चीजों को उपयोगी लोगों को जोड़ा था और आप लोगों ने आप लोगों ने अनुपयोगी चीजों को जोड़ा है दुर्योधन को कितना समझाया था वो कहाँ माना भाई की मत कर मत जोड़ मत जोड़ चीजों को मत जोड़ कहाँ माना अब नहीं माना तो झेलो अब भुगतो अब हो परेशान ये आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेसन है अर्थशास्त्र नीति के द्वारा अर्थशास्त्र व्यक्ति और वस्तु जो उपयोगी ना हो उसको छोड़ने में देर ना लगाएं और जो व्यक्ति वस्तु उपयोगी हो उसे जोड़ने में देर ना लगाएं बिल्कुल ना लगाएं नहीं तो आपका नाम भी कहाँ लिखा जाएगा कहाँ लिखा जाएगा रावण में लिखा जाएगा राम में लिखा नहीं जाएगा एक सीता को अगर रावण छोड़ देता बढ़िया सोने की लंका में राज्य करता और चला जाता यद्यपि प्रति नारायण था उसको नरक निश्चित था लेकिन कम से कम बदनाम होकर तो नरक नहीं जाता कम से कम बदनाम होकर तो नरक नहीं जाता लेकिन गलती कर बैठा नरक का नरक चला गया और बदनाम अलग हो गया पंचम काल आ गया लेकिन आज भी लोग उसको चला रहे हैं अर्थशास्त्र नीति समझना इन शॉर्ट आप इस नीति को समझो तो आवश्यक को जोड़ें, अनावश्यक को छोड़ें और जीवन को एक नई दिशा से जोड़ें। आवश्यक को जोड़ें। भोजन भी हो तो आवश्यक को जोड़ें। आज देखो आप फूड की अगर बात करते हैं लोग तो कैसे भोजन के प्रति लालयत रहते हैं कुछ भी खाने तैयार हैं। इंदौर की बात बताता हूँ मैं आपको इंदौर में जब वो गरबा होता है ये डांडिया होते इसके बाद रात को दो बजे तीन बजे जिसको जो मिलता है बच्चा वो खाता है आधा कच्चा हो पका हो अभी माँ की खबर आई थी कुछ दिन पहले कि मेरे बेटे को बचा लीजिए गुरु जी मैंने कहा मैं कैसे बचा लूँ क्या हो गया वो इतना फास्ट फूड खाता था इतना फास्ट फूड खाता था यूपी की बात है जैन बच्चा उसकी आते इतनी उलझ गई कि पूरी आते निकालना पड़ी हैं अब उसकी बॉडी में इंटेस्टाइन नाम की कोई चीज़ नहीं बची है तो वो भोजन जो खाता है वो जाता कहाँ है डॉक्टर ने वो स्टमक से बाहर एक थैला लटका के रखा है यहाँ से गड्ढा करके वो खाता है और तुरंत मल बन के निकलता है साठ किलो का बच्चा आज छः फिट की हाइट का बत्तीस किलो का है सिर्फ बत्तीस किलो का है थर्टी टू के जी और डॉक्टर ने कहा अगर इसका वजन नहीं बढ़ेगा तो नहीं बचेगा क्योंकि उसने अनावश्यक चीज़ें जोड़ ली ना उस समय तो आप गलती करते हो और ध्यान देते नहीं हो फिर तुम्हारे कारण पूरे घर को पछताना पड़ता है उपयोगी लोग और उपयोगी चीज़ें बस इनको ही जोड़ना ये मत करना अपने दिमाग से मत चलना कि कर लेते हैं अपने मन से कुछ काम जिंदगी भर पछतावा रहेगा और तो तुम्हारे कारण तुम्हारे पूरे घर को पछतावा रहेगा बचें बचा करके चले अच्छे लोगों को जोड़ें और अच्छी चीज़ों को जोड़ें आवश्यक को जोड़ें अनावश्यक को छोड़ें अपनी ज़िंदगी को दई नई दिशा में नई मोड़ से जोड़ें किसी ने बोला आपसे कि शेयर्स ले लो हाँ हाँ ले लेते ले लेते बहुत बढ़िया शेयर्स ले लेते हैं और तुमने शेयर्स ले लिए ले ली तुमने शेयर्स ले लिए कंपनी यूं से यूं गई तुम जीरो हो गए अब तुम उसे लड़ने जा रहे हो भैया हमारे पास कुछ बचे नहीं अब कंपनी क्या करेगी गलती तुम्हारी है गलती तो तुम्हारी है ना अल्टीमेटली क्योंकि आपने ही तो उस बारे में विचार नहीं किया था आप लोग मेरी इस बात पर कम से कम गौर करें आवश्यक को जोड़ें और अनावश्यक को छोड़ें अगर ये नहीं कर पाए तो जीवन पूरा आपका उपयोग रहित हो जाएगा चाहे वस्त्र हो चाहे भावना हो चाहे लोग हों चाहे कोई भी चीज़ें हों जो आपके लिए उपयोगी हों वही आपके पास हों वही आपके साथ हों क्योंकि नीति का कहते हैं कि गलती एक बार होती है गलती एक बार होती है और पछतावा जिंदगी भर और कुछ गलतियों का पछतावा जिंदगी भर होता है और वो अगले जन्म तक भी वो गलती आपको वैसी दुख देके जाएगी थोड़ा जाग जाए और एक बार जाग जाएंगे तो हमेशा के लिए आपके लाभ रहेगा इस चीज को समझना अपेक्षा और उपेक्षा किसकी अपेक्षा करना है किसकी उपेक्षा करना है इस अपने अंदर नीति का अरसास जोड़ के रखना शेष आगे देखेंगे भगवान महावीर स्वामी की